प्रकृति का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व वाली प्रकृति है। और जीवात्मा है, केवल अस्तित्व ही नहीं है, प्रकृति का अस्तित्व लेकिन जड़ है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व भी है और चेतना भी है, चेतना भी। और चेतन का धर्म है इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न। सुख दुख और द्वेष का अनुभव हो रहा है क्योंकि आत्मा के पास अंतःकरण है, तो सभी आनंद चाहते, शांति चाहते है ना? क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आनंद ही परमात्मा है, रसो वै सह, ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है, परम शांति है। तो आत्मा चेतन है तो इसे भी शांति चाहिए कि नहीं? हमें आनंद चाहिए क्योंकि आनंद का मूल स्रोत परमात्मा है। सीक बूंद सम जगत सुख कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं शक्य वचन नहीं ज्ञान। उस आनंद का वर्णन तो वाणी कर नहीं सकती। हम सभी आनंद चाहते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, यही बात है। सभी सुख चाहते हैं, क्यों चाहते हैं सब? क्योंकि परमात्मा ही परम सुखों वाला है। हम आनंद चाहते हैं, क्यों? क्यों चाहते हैं हम? ये हम चेतन हैं और परमात्मा परमानंद स्वरूप है। परम लग गया ना जहां आत्मा, अब पहले परम है तो परमात्मा, एक आनंद है एक परमानंद, शांति परम शांति, प्रकाश एक परम प्रकाश। आनंद तो चाहते हैं, मूल में तो यही है आनंद प्राप्ति की इच्छा कामना। दुखों से तो घबराते हैं, सभी घबराते हैं, दुख नहीं चाहिए। दुखाद उद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्, सुख की कामना करते हैं, हम अनुकूलता चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हम अनुकूल जीवन ही तो चाहते हैं, अनुकूलता चाहते। हम जड़वत नहीं रह सकते, हमको यंत्र तो है नहीं कि रख दिए यहाँ पर माइक है,
साउंड है, ये कैमरा है, ये लाइट है, कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, कोई अन्य पदार्थ तो है नहीं। हम जड़वत नहीं रह सकते, जड़वत नहीं रह सकते। रात्रि में शयन करते हैं, सुबह उठकर अपने दिनचर्या के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। क्योंकि आनंद चाहते हैं, इसीलिए आनंद की खोज है, अनंत की यात्रा है। सुबह उठकर खड़े हो गए, अपने दिनचर्या के कार्यों को किए, जड़वत तो है नहीं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक मूल में क्या है, अनुकूलता है। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन है, सुसुप्ति में दुख था, जब नींद में थे, गाढ़ी नींद में, कोई चिंता, कोई तनाव, कोई क्रोध के विचार, जब गाढ़ी नींद में थे, कोई अनुभव था, उसने ऐसा किया, देखेंगे, बताएंगे इसको, इसको सुधार देंगे। कुछ ऐसा बेचारा रहता क्या लड़ाई झगड़ा करने का, और भी कोई विचार, काम क्रोध लोभ मोह के विचार आ रहे थे क्या जब नींद में थे? दुख नहीं है ना, परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। क्यों नहीं है दुख? क्लेश से अलग है, कर्म से अलग है, इसीलिए वो बंधन में आकर कर्म नहीं कर रहा है। ये सारे पदार्थ कर्मशील हैं उसके नियम में, नियंत्रण में, लेकिन वह इन सब से भिन्न है, इन सब में व्याप्त होकर इनसे भिन्न है, वो साक्षी है। दुख है क्या उसमें? परमात्मा में दुख है? जब नींद में थे तो दुख आ रहा था क्या? कोई दुख का अनुभव था? जहां उठे बड़े बवाल हो गया, चलो हिसाब किताब लगाने लगे, इधर करना है, उधर करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, समाधि सुसुप्ति मोक्षे ब्रह्म रूपता, ब्रह्म एक रूपता, एक रूप तो आ रहा है। समाधि में दुख है जब एक साधक अपने मंडल में स्थित हो गया, दुख है उस समय जब वह समाधि में है, उसकी चेतना उस मंडल में स्थित है, दुख है वहां नहीं है। दुख शरीर में है, दुख नहीं है, शरीर थोड़े छोड़ के चला गया है, आत्मा ने शरीर का त्याग थोड़ी कर दिया है, अरे हाय शरीर में। समाधि में जब है तो दुख है नहीं है, जब ध्यान की गहराइयों में है दुख है, तैलवत धारा में है दुख है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम है,
जब जैसे मानव समाधि में स्थित हो गया, भले उसको समाधि से नीचे आना हो, समाधि कई प्रकार की है, कुछ क्षण की भी तो समाधि होती है दुख समाधि में, सुसुप्ति में है दुख, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार मोक्ष में कोई दुख नहीं, क्योंकि सुख चाहिए ना, ऐसा परम सुख चाहिए जो दुख में बदले ना। सुख कैसा, ऐसा सुख वह कौन है दुख जामे नहीं लेस। सदगुरुदेव ने कहा सर्वेद में, कैसा सुख चाहिए जो दुख में परिवर्तित ना हो। संसार में तो परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, सुख दुख का अनुभव ही तो हो रहा है, और द्वेष का भी अनुभव हो रहा है। आत्मा जब बंधन में है तो और क्या अनुभव होगा, और वहां वहां आत्मा है जहां जहां सुख दुख द्वेष इच्छा ज्ञान प्रयत्न है। ऐसा सुख वह कौन है दुख जामे नहीं लेस, जो बदल नहीं रहा, तो सीमा से परे है। तो संसार में परिवर्तन है, सुख दुख का ही अक्रम चल रहा है, क्योंकि विचार है, मन है, इसलिए तो है ना, और रहेगा। जैसे विचार वैसे अनुभव, सुख दुख का अनुभव, कौन किस में सुखी हो जाएगा, कौन किस में दुखी हो जाएगा, समझना बड़ा मुश्किल है। किसको किस में दुख मिल जाएगा और किस में सुखी हो जाएगा, आप सबके अंतःकरण को जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। कौन किस में सुखी है और किसको किस में दुख मिल जाएगा, इसका तो गणित बड़ा कठिन है। इतनी मन की परतें हैं, छिलो परत उसकी, परत दर परत, अन्य पता चला कि है ही नहीं भाई, छिल रहा कहा क्या छिले, देखो साफ। कौन किसमें सुखी है और कौन किसमें दुखी है, समझना बहुत कठिन काम है। किसको किसमें सुख मिल जाता है और कौन किसमें कब दुखी हो जाए, क्रम चल रहा है, विचारों से चल रहा है, हर पल हर क्षण चल रहा है। असुसुप्ति में थोड़े चल रहे हैं विचार कि दुख कौन भोग करेगा। जीवन का उद्देश्य सुख दुख का अनुभव नहीं है, जो अनुभव होता जा रहा है और हो ही रहा है। जीवन का उद्देश्य सुख दुख का अनुभव तो नहीं, जीवन का उद्देश्य सुख दुख का अनुभव नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव नहीं, जीवन का उद्देश्य केवल कामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं। सब कामनाएं पूर्ण हो जाए ये कौन जरूरी है भाई, किसकी सब कामना पूर्ण हुई और होगी, संसार बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तो जीवन का अनुभव श्रेष्ठतम हो, केवल सुख दुख का अनुभव नहीं हो, क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट है ना। जीवन तो मात्र इन्हीं अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में व्यतीत करने के लिए नहीं है,
अरे जो है उसका अनुभव करना है, जो है उसका अनुभव, जो इस दृश्य के पीछे अदृश्य है उसका अनुभव, जो सूक्ष्म है उसका अनुभव, जीवन इसलिए है, सुख दुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए तो जीवन नहीं है, लेकिन प्राप्त वही हो रहा है। मन है जो वर्तमान में नहीं रहने देता, केंद्रित नहीं रखता, वो चला जाएगा इधर उधर, चला जाएगा भूत में, वो चला जाएगा भविष्य में, जो था जो है जो रहेगा उसका अनुभव, जो बदल रहा है उसका अनुभव तो हो ही रहा है, जो हर क्षण बदल रहा है। तो समाधि में मिला दुख कि सुसुप्ति में मिला, ब्रह्म का एक रूप तो आ गया, क्यों आया, क्यों आया, इसीलिए तो आया कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आज अब आनंद है तो दुख है क्या? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। जब सच्चिदानंद है, आनंद है जहां, जो शाश्वत है, नित्य है, तो दुख है क्या वहां? दुख नहीं है, दुख नहीं है। और इन्हीं दुखों का अतिक्रमण करना है। मृत्यु दुख नहीं है, दुख जन्म है, जन्म मृत्यु क्या दुख है? जब जन्म ले लिया तो कहे कि मृत्यु क्या दुख। एक दिन संभवतः मैंने और कहा था, आनंद स्वरूप है परमात्मा, क्योंकि दुख नहीं है, दुख नहीं है। मोक्ष में दुख है? नहीं है। समाधि में दुख है? नहीं है। सुसुप्ति में दुख है, जब सो रहे थे गाढ़ी नींद में दुख है? बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं उसका। कभी कभी तो ऐसा होता है कि संसार की उठा पटक से, संसार की उठा पटक से इतना मन व्यथित हो जा रहा है, मन की स्थिति ऐसी विकट हो जा रही है, ऐसी प्रतिकूलता का अनुभव करता है, अंतःकरण ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जीवन ही नष्ट कर देता है। जो अनमोल जीवन मिला है वही नष्ट। तो शरीर को नष्ट करने का यह जो कुप्रयत्न है वो कितना बढ़ गया है आज के समय में, हमारे देश में कितना बढ़ रहा है, केवल अमेरिका में थोड़ी, भारत देश ऋषियों का, और वहां इतनी अस्थिरता मन की, तनाव कारण है आत्महत्या का। अरे भैया लक्षण है, बीमारी का कारण सब है, मनोरोगी था आत्महत्या कर लिया, तनाव कारण हो गया, तनाव को कारण बता देते, तनाव लक्षण है, तनाव लक्षण है, कारण क्या है? मन की अस्थिरता, मन की चंचलता, अंतःकरण की अशुद्धि कारण है, तनाव कोई कारण नहीं अपने आप में स्वयं, लक्षण मात्र है, लक्षण मात्र है तनाव, कोई कारण थोड़ी है। कारण है मन की अस्थिरता, मन की चंचलता, अंतःकरण की अशुद्धि कारण है, तनाव कहां से कारण आ गया? तनाव तो एक लक्षण है, प्रमुख कारण जो है वह मनुष्य का अंतःकरण है, मन है प्रमुख।